जय सियाराम। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भाई लिए बैठो अटे, मैं कलेक्टर साहब मु मिलवायो, पहली भी मिलवायो, लेकिन वह मिलिया कौन है। तो अबे ये वहाँ का पुतला, ये गुंगा गुंगा ने लायो कलेक्टर साहब, ये गुंगा, ये सामने देखो, ये गुंगा कलेक्टर साहब। तो ये कहीं बोले तो ही कौन है भाई, यहाँ की जेब में मैं फिर डाल दूँ तो किसाना की सुनवाई हो, बाकी किसाना की सुनवाई ना हो। यहाँ का तो जिंदल हरी का सेठों का काम है, जिंदल ऐसी कंपनियां का सेठ यहाँ को आन मिलन जा रहा। 3 घंटा यहाँ का ना मैं बैठो रही हो तो मैंने ये मिलिया कौन है। तो भगवान साहब का हाथा जोड़ी की थी कि भाई साहब मैंने मिलवा दो, हमारा पीछे मिस्टोल का नरेगा का पीछे ना रहा, ग्राम पंचायत पांचल, ग्राम पंचायत पांचल में मिस्टोला में क्यों था। अब सरकार पीछे कोई दे रही, बैंक वालों भी वहाँ को मिलियो दिखो, बैंक वालों पहले पीछे जमा कराया हुआ था, अब पीछे कम बतावे तो बैंक वालों में भी मैं दापियो दिखो, और ये पंचायत मुँह पांचल मुँह भी दाप गया, और ये कलेक्टर साहब भी अब दबा रहा। तो ये कलेक्टर साहब के सामने की बात, कलेक्टर साहब का भरोसा आया, भरोसा तोड़ा, तो यहाँ को यह है सामने सा। कम से कम 1 बरस हो बना आयो, 1 बरस लमसम जो सरकार जो दान की दे जो, वह सरकार का ऊपर मान ध्यान को नहीं बात की। अब 1002 चाहे 2002 चाहे 3002, लेकिन पहले ही पहला आपको 1 मिस्टोल और 1 छुट्टी है वहाँ का महीने, 1 छुट्टी। गांव पांचल, देवनारायण का बीड़ा, गांव पांचल, नाम क्या आपको? हंसराज नो पिता बालूजी गारी। आपको पैसे नहीं मिले तो और पैसा न मिली तो बच्चे कही, या गुंगी आंधी सरकार थोड़ी है कि गुंगी सरकार कौन है, कही आंधी सरकार कौन है। जो मैंने कही आपको तो नहीं बैठा रहा, माँ की गायें हैं, छाड़ियाँ बकरियाँ सब है, काकड़ का महीना छोड़ आयो देव नारायण, काकड़ का महीना गायें भरोसा पे थोड़ी मैं कलेक्टर साहब को मिले उन पाँचो गायें संभालवा जानो, आज चारों बगदो लानो, चारों बगदो भी तो ना का जिदी साग खाए व कही खाए तुझे। इसके संबंध में मैंने विकास अधिकारी सुहाना व वहाँ के AN को बुलाया है, इनसे पता किया और आपके माध्यम से ये पता लगा कि उसका भुगतान नहीं हुआ है। इसकी जांच के लिए मैंने अभी इसी समय विकास अधिकारी और AN को ऑफिस में तलब किया है, ये अपनी टीम के साथ में आज इसकी जांच करेंगे क्यों नहीं हुआ है। अगर इनकी गलती से, किसी दस्तावेज की गलती से ये पेमेंट नहीं हुआ है तो वो ठीक करवाएंगे, और यदि किसी कर्मचारी की गलती की वजह से ये भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसकी जांच रिपोर्ट मंडे तक प्रस्तुत कर ट्यूसडे तक यानी मंगलवार तक इसका भुगतान अगर इसका पेंडिंग है तो सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी।